दोस्तों हिटाची का आउटडोर उतार दिया मैंने, अब इंडोर भी उतार दिया मैंने। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कोर्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं हिटाची का स्प्लिट एसी अनइंस्टॉल करूँगा पूरा, इंडोर से आउटडोर तक, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कर दीजिए, लाल बटन है, दबा दीजिए इसको, ठीक है, दबाई दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंट आएगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने एसी को ऑन कर दिया है और यहाँ पे एक तार ज्वाइंट होगा तो इसको भी मैं खोलूंगा, तो एसी ऑन हो गया। चलिए आउटडोर। देख सकते हैं आउटडोर चल रहा है ये। तो दोस्तों एसी तो चल रहा है, एसी चलाने के बाद ही गैस स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला डिस्चार्ज का वाल्व बंद करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसे लिक्विड लाइन कहते हैं वो वाला वाल्व बंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्चार्ज का वाल्व बंद कर देता हूँ, आपको यही करना, सबसे पहले डिस्चार्ज का वाल्व बंद करना क्योंकि गैस उधर से फेंकता है। और दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैं गेज लगा रखा हूँ इसमें, और गेज इसलिए लगाया था कि पूरा गैस जब आउटडोर में स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पर जो 100 PSI दिखा रहा है वो जीरो पर चला जाएगा, यानी जीरो पर जैसे ये कांटा देख सकते हैं नीचे में डाउन हो रहा है, जीरो पर चला जाएगा, तो यानी पूरा गैस जो है वो आउटडोर में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, पूरा गैस आउटडोर में चला जा चुका है, स्टोर हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं जीरो पर कांटा लगभग जा चुका है, तो थोड़ा सा पहले ही मतलब बंद करना है, ठीक है। तो ये मैं सेक्शन का वाल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो सेक्शन का वाल बंद कर देंगे, है ना, या हाफ का पाइप बोलते हैं इसको, तो हाफ का पाइप को बंद कर देंगे या फिर सेक्शन का वाल को, ठीक है। तो बंद कर दिया मैंने, जल्दी से बंद करेंगे, ठीक है। और आउटडोर को बंद मतलब आउटडोर का जो गैस स्टोर करेंगे उस टाइम जब लगभग आपका जो सेक्शन का वाल बंद हो जाएगा उस टाइम एसी बंद करवा देना याद से, जैसे मैंने बंद करवा दिया है ना, पूरा मतलब बंद करवा दें अच्छे से, प्लग भी निकलवा दें, उसके बाद सेक्शन का वाल बंद कर दें, मतलब वाल बंद करते समय ही बंद करवाना, ठीक है। तो बंद करवा दिया, अब दिखाता हूँ मैं आपको गेज, तो देख सकते हैं यहाँ पे जीरो पे आ गया है कांटा, लगभग आ गया ना दोस्तों, थोड़ा मोड़ा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही आपको करना है। अब क्या करेंगे हम, जो गेज लगा रखा है मैंने वो गेज उतार देंगे हम, तो गेज निकाल देता हूँ मैं, निकाल दिया मैंने। और जो सेक्शन डिस्चार्ज का नट होता है उसके हम खोल देंगे, पाइप होता है उसको खोल के हटा देंगे वहाँ से, ताकि आउटडोर निकालने में आसानी हो जाए। तो सेक्शन डिस्चार्ज का पाइप मैं खोल लेता हूँ, चलिए खोलते हैं। दोस्तों पाइप उप खोलने से पहले सबसे पहले तो वायर निकाल दे, कोई ठीक नहीं, रूम के अंदर से कौन एसी चालू वालू कर दे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसी का पंप डाउन ऐसा ही हो रखा है तो दिक्कत हो जाएगा, है ना दोस्तों, इसलिए तो इसको चलिए पहले वायर खोल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने वायर खोल के हटा दिया इसका, देख सकते हैं अब ये जो नट है ये वाला, ये नट और नीचे वाला नट जो मोटा वाला है सेक्शन का नट, उसको खोल देंगे, पाइप हटा देंगे वहाँ से खोल के, चलिए खोलते हैं वो वाला नट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सेक्शन डिस्चार्ज का पाइप खोल दिया है, ठीक है, और इधर का व्यू देख लीजिए कितना प्यारा है, काफ़ी अच्छा एरिया है ये भी, और अच्छी जगह पे आउटडोर भी लगा, और रिक्सी भी नहीं है थोड़ा लेकिन अंदर साइड में, पर कोई बात नहीं। और देख सकते हैं मैंने सेक्शन डिस्चार्ज का पाइप खोल के हटा दिया है, नीचे की तरफ कर दिया मैंने, देख सकते हैं दोनों वाल खाली है, ठीक है दोस्तों। इस वाल में टेप मार देना है, पैकिंग टेप, ठीक है, क्योंकि एसी में कुछ घुस जाएगा, देख सकते हैं पाइप में भी टेप उप मार देना है जब इसको रोल करेंगे तब। तो पाइप हटा दिया मैंने, आप चलिए आउटडोर का नट खोलते हैं। अब दोस्तों ये जो आउटडोर में जो नट लगा होता है, चार नट होता है आउटडोर में लगा हुआ आउटडोर स्टैंड में, तो देखिए मैं नट दिखाता हूँ आपको, एक ये नट है, एक ये नट है, ठीक है, और दो नट उस तरफ है, ये देखिए एक ये वाला जो मैं खोल दिया लगभग, तो ये नट खोल दूंगा मैंने, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको नट खोल देना और एसी को उतार लेना है ना दोस्तों। नट खोल दिया मैंने, अब आउटडोर उतार के दिखाता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नीचे रखा है मैंने,
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नीचे लाल बटन है दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं मुझे कॉन्फिडेंट आए और सब्सक्राइब बढ़ेगा और भी लोग जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, वैसे भी आएगी ऐसी बात नहीं है, पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। तो आउटडोर उतार दिया मैंने, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों तभी समझ में आया, क्योंकि अभी इनडोर भी उतारना है। तो आउटडोर उतार दिया मैंने, देखिए उतार दिया मैंने, नीचे हिटाची का आउटडोर ये ठीक है दोस्तों। अब ये चार नट है, इस चारों नट को मैं खोलूंगा अच्छे से, उसका टाइल वेल ख़राब नहीं होना चाहिए, जितना बेहतर हो सके नट से को खोल ही ले, हथौड़ा थोड़ा ना मारे तो ताल टूट जाएगा। ये देखिए दो नट इधर है, दो नट इधर है ठीक है। चलिए खोलते हैं इसको, उसके बाद पाइप खोलेंगे। और दोस्तों इसका जो पाइप है मैं दूसरी वीडियो में रोल करके दिखाऊंगा कि कैसे रोल होगा ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा लंबा भी नहीं 10 मिनट का है, फिर भी दोस्तों उसको मैं दूसरी वीडियो में लगाऊंगा कि कॉपर पाइप जो होता है एसी का उसको रोल कैसे करें, फोल्ड कैसे करें ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आउटडोर का दोनों स्टैंड खोल दिया है, और देखिए कितना अच्छे से खोला, नट ही खोला है मैंने, कोई हथौड़ी वगैरह नहीं मारा है ठीक है। अब ये इंसुलेशन खोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जो एमसीबी से तार गई होती है वो वहाँ पे लगा हुआ है एक वायर, तो इसको मैं खोलूँगा ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनडोर को कैसे नीचे से पहले उठाना है ठीक है, जाँच जाँच को उठाना है, हल्का मुल्का हिला लेना है, उठा लेना है ठीक है, जैसे उठ गया इतना प्यार से उठा है सेम ऐसे ही उठाना है ठीक है। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए ठीक है दोस्तों। और नीचे पैकिंग टेप लगा लेंगे या फिर नोक प्लस लगाना है, या कोई चीज़ से ऊंचा कर लेना है ना। और दोस्तों जितना भी पैकिंग लगा होगा वहाँ पर हटा लेंगे, किसी चीज़ से काट काट कर हटा लेंगे, पर अच्छे से हटा लेंगे ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो इंसुलेशन लगा हुआ था अंदर नट के पास, जो मतलब नट कसते हैं उसके बाद लगाते हैं, वो इंसुलेशन मैंने खोल दिया, उसका ट्यूबलाइट हटा दिया, जो भी अगर टीबी हुई हो तो उसको ढक देना है ठीक है दोस्तों, पानी वगैरह गिर जाएगा, ट्यूबलाइट हो तो उसको भी हटा लेना, फूट जाएगा नहीं तो। तो मैंने क्वार्टर का वाल खोल लिया है ठीक है दोस्तों, ये पाइप है उसको बाद में निकालेंगे ठीक है, दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा पाइप कैसे निकालना फोल्ड करना ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो है सेक्शन का पाइप है उसको खोल लेंगे हम, यूनियन बोलते हैं इसको ठीक है दोस्तों, सेक्शन डिस्चार्ज का यूनियन। तो मैंने नट खोल के हटा लिया ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों पानी वाला पाइप होगा उसको भी खोल के हटा लेंगे है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए खोला था इंसुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीबी से वायर आया था वो लगा था, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से ठीक है दोस्तों। मैंने हटा दिया, सेम दोस्तों ऐसा ही है एसी इंस्टॉल करना है ठीक है, एकदम सेम है, यही रूल है और कोई दूसरा कोई रूल ही नहीं है ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ठीक है। अब जो इनडोर से आउटडोर में वायर गया दोस्तों उसको मैं खोल लेता हूँ, वायर खोल लेते हैं ठीक है दोस्तों। सेक्शन फेस न्यूट्रल और 3 CP गया हुआ है आउटडोर पे ठीक है दोस्तों। तो अब मैं वायर को खोल के निकाल देता हूँ नीचे से, निकाल दिया मैंने ठीक है, ये देख सकते हैं निकाल दिया मैंने नीचे से। अब जो कवर मैंने हटाया था वापस लगा दूंगा, तो हटा दिया दोस्तों। अब देखिए इनडोर उतारेंगे, सब कुछ हटा दिया, सेम ऐसा ही करना है ठीक है दोस्तों। सबसे पहले पानी वाला पाइप हटाना है या फिर नट खोल लेना है,
पानी वाला पाइप हटाना है, फिर दोनों सेक्शन डिस्चार्ज का यूनियन खोलना है, फिर आउटडोर से इनडोर का वायर हटाना है, फिर एमसीबी वाला वायर हटाना है और एसी को सेम ऐसे ही उतार लेना है। तो देखा दोस्तों वीडियो इसी में, वीडियो में जिस तरह से मैंने निकाला है एसी को सेम ऐसा ही आपको निकालना है। और ये प्लेट खोल लेंगे याद से, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने प्लेट निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। और ये कॉपर पाइप जो दिख रहा है दूसरी वीडियो में आएगा, क्योंकि इसको फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।